सेल सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। आज हम बात करेगा नोकिया TA1203 का डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम कैसे रेडी कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो। डिस्प्ले में लाइट नहीं होएगा, डिस्प्ले पूरा बंद होएगा, डिस्प्ले नहीं चालू हो रहे ऐसे ही दिखेगा। तब आराम से देखेगा तो नोकिया का सिंपल देख सकते हो, लेकिन इतना नज़र नहीं आएगा। ये कैसे रेडी हो सकते हो ये देखेगा आज हम। सबसे पहले हम लोग ये बोर्ड खोलना ही पड़ेगा। बोर्ड खोलने के बाद आप लोग डिस्प्ले थोड़ा उतारने का, डिस्प्ले का दो लोग के दो साइड में ये थोड़ा उतारने का। उसके बाद हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले का कनेक्टर में टूटा वगैरह ये देखने का, इसका नीचे भी देखने का, वाटर डैमेज है देखने का। इसमें आप लोगों को दिख सकते हो वाटर डैमेज है। ये दो नंबर पिन ने इसका पॉजिटिव वोल्टेज आने वाला, लाइट का पॉजिटिव वोल्टेज आने वाला कनेक्शन। ये देखो इधर तो वाटर डैमेज दिख रहे हो। ऐसा दिखेगा तो आप लोग थोड़ा क्लीन करो, फिर भी प्रिंट ब्रेक है, ब्रेक में कैसे रेडी कर सकते हैं देखो। ये दो नंबर वाला है इसका पॉजिटिव कनेक्शन, इधर थोड़ा स्क्रैच करने का। आप लोग स्क्रैच करके हम लोगों को एक जम्पर लगाएगा तो ये फ़ोन चालू होने के लिए चांसेस है। इधर ही लगाने का है ये कनेक्शन, इधर ही आ रहे हो, मतलब ये साइड में देखेगा तो इधर ये इधर से एक कनेक्शन जम्पर उधर तक करेगा तो ये ठीक होने के लिए बहुत चांसेस है। नहीं मिलेगा तो दूसरा एक ट्रिक है इसमें, हो सकते हो ये देखेगा। पहले सबसे पहले इधर स्क्रैच करने का, थोड़ा स्क्रैच करके इधर थोड़ा फ्लेक्स डाल के थोड़ा लेड अप्लाई करने का, थोड़ा सा लेड दो वाला कनेक्शन में वो थोड़ा सा लेड अप्लाई करके, फिर जम्पर वायर थोड़ा क्लीन करके ये जम्पर आप लोगों को लगा सकते हो। जम्पर लगाया हम लोग, फिर ये वायर, ये लाइट का ये सामने होल है उसमें से दूसरा साइड में निकालेगा। उसके बाद हम लोग इधर ये वायर जम्पर करेगा, ये लाइट का ये साइड में ऊपर का साइड में आप लोग जम्पर करने का। ये सेम ट्रिक में आप लोगों को 105 10 10 1203 ये पूरा मोबाइल आप लोगों को ये ट्रिक से आप लोगों को रेडी हो सकते हो। हम लोग जम्पर किया हुआ, फिर ऐसा जम्पर करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन शॉर्टिंग ये देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज इधर आ रहे हो, इसलिए शॉर्टिंग पहले चेक करके बाद में बैटरी डालने का। कभी भी कोई भी मोबाइल का लाइट कनेक्शन है तो भी मल्टीमीटर में चेक करो ये जम्पर लगाने के बाद, उसके बाद बैटरी डाल के चालू करके देखो। शॉर्टिंग नहीं है तो चालू करके देखो। अरे वाह, चालू हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, दूसरा कोई सॉल्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं है, ये रेडी हो गया। आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इसमें कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट करके पूछो। बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आप लोगों को सामने ही आएगा। सबके लिए गुड बाय।